गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 160 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने घोटल लोधिया विधानसभा से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं मोरबी सीट से कांतिलाल अमृतिया को टिकट दिया गया। बड़ी बात यह है कि क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी को जामनगर नॉर्थ से टिकट दिया गया। वहीं हार्दिक पटेल को विरामगाम सीट से पहली बार चुनाव लड़ेंगे। भाजपा की पहली सूची में 14 महिलाओं को टिकट मिली है। 69 सिटिंग विधायकों को टिकट मिला है और 99 में से 69 को टिकट दिया गया है, यानी कि 30 लोगों का टिकट काट दिया गया। राजकोट पश्चिम से विजय रूपाणी चुनाव लड़ते थे, उनकी जगह अब डॉक्टर दर्शिता शाह चुनाव में उतरेंगी। हम आपको बता दें कि 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में दो चरण 1 और 5 दिसंबर को मतदान होंगे। नतीजे 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ आएंगे। वहीं भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। इस बैठक में गुजरात के सभी 182 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। आइए जानते हैं भाजपा की सूची की कुछ मुख्य बातें। भाजपा ने 182 में से 160 नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें से 84 नाम पहले चरण के उम्मीदवार के हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाट लोधिया से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने 30 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। लिस्ट पर मोरबी हादसे का भी असर दिखा। मोरबी में मौजूदा विधायक ब्रजेश बेरजा का टिकट काटा। हार्दिक पटेल को विरामगाम से टिकट मिला है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रियाबा जामनगर नॉर्थ से टिकट मिला है। 2017 में कांग्रेस से चुनाव लड़े 7 उम्मीदवारों को भाजपा ने इस बार टिकट दिया है। भाजपा की लिस्ट में 14 महिलाओं के नाम शामिल हैं। समझा जाता है कि भाजपा बैठक के दौरान सभी 182 उम्मीदवारों के नाम तय कर अगले कुछ दिनों में सूची जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव में सीटों पर जीत के लिहाजा से नया रिकॉर्ड बनाने के मकसद से पार्टी संगठन पूरी ताकत लगा रही है और पार्टी को रुझान मिले हैं कि उसे नए और युवा चेहरे को चुनना चाहिए। राज्य के पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 99 और उसकी मुखर प्रतिद्वंदी कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।